अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय योग शिविर के शैक्षिक कार्यशाला में छठवें दिन मुख्य वक्ता निदेशक कुंडलनी जागरण समिति अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ राय ने कहा कि गुरु गोरक्षनाथ ने हठ योग से शिव और शक्ति के मिलन का उपदेश दिया। योग हमारी प्राच्य विद्याओं एवं मूल शक्ति का आधार है। वेदों के उपनिषदों में योग की चर्चा है। योग वशिष्ठ में, गीता में, वैदिक काल में अर्थात सृष्टि काल से ही योग का प्रारंभ माना गया है। सूर्य और चंद्र की शक्ति योगिक क्रियाओं में ही समाहित है। योग की विद्या का प्रचार एवं समाज में आचार विचार, नित्य क्रिया, आहार व्यवहार को नियमित संस्कारित करने का कार्य करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी ने किया। आए हुए अतिथियों का आभार योगाचार्य डॉक्टर चंद्रजीत यादव ने किया। कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश मणि मिश्र ने किया। इसके पूर्व प्रातःकाल 6 से 8 बजे तक योगाचार्य डॉक्टर चंद्रजीत यादव के निर्देशन में योग प्रशिक्षुओं ने सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, सभी जोड़ों, उदर शक्ति विकासक क्रिया, चक्रासन, पश्चिमोक्तासन, वातायासन, गोरक्षासन, मत्स्येन्द्रासन, मयूरासन, कुटकुटासन, अकड़ धनुरासन तथा मुद्रा में खेचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, योग मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा एवं मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद का अभ्यास किया।